सात प्लांट्स रखे हैं। तो ये इस तरीके से है और ऊपर से ना इनमें अलग अलग कलर दिया, जैसे स्काई ब्लू कलर है और ये देखो किसी में पर्पल कलर है, किसी में पिंक है, ये येल्लो भी है, व्हाइट भी है। तो बस ही कह रहे थे जो इसमें कलर है उसी कलर के फूल आए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और घर का सारा काम मेरा खत्म हो गया है। ईशू स्कूल चले गए, बस ही ऑफिस गए हैं। मम्मी बाहर धूप में बैठी है, बाल बना रहे हैं। इंटर भैया लोग भी आ गए हैं, वो लोग अभी छत में गए हैं, जो पुट्टी करी थी ना उसकी रगड़ाई करनी है। आज जहां जहां पे भी पुट्टी करी है तो उसके लिए वो लोग छत से शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने भी अभी बाहर जाना है, आज एक दो काम है। एक तो मैंने गौशाला जाना है, गाय को रोटी और आटा दे के आना है, और उसके बाद ना बस ही ऑफिस से प्लांट्स लेकर आए हैं फूल, तो उनके लिए गमले लाने। घर पे गमले हैं तो सही, बहुत सारे पर सब भरे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ है, तो वो निकालने का मेरा दिल नहीं कर रहा ऐसे प्लांट्स खराब करने का। तो मैं सोची हूँ बाहर नर्सरी वगैरह जाके वहां से दो प्लांट्स में, दो गमले मैं ले आती हूँ और उसपे वो प्लांट्स लगाऊंगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो कैसे लाए हैं। इनका नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम है, बस इन्हें मुझे बताया था नाम कल और जब ये ऑफिस से लेकर आए थे, पर मैं भूल गई नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है इनका। और इसमें ना अभी तो ये नॉर्मल हैं प्लांट्स, ऐसे देखो ये इतने सारे ये लेकर आए हैं, आठ प्लांट्स ही लेकर आए थे, ठीक है। ऐसे एक मिनट, ऐसे देखो ऐसे सिंगल सिंगल ये आठ लेकर आए थे। तो एक प्लांट तो इसमें से इशू लेगी, इशू की मैम है वर्निका है, वर्सिका पता नहीं कुछ ऐसी मैम का नाम है उनका, तो वो उसकी इशू की फेवरेट मैम है, वो क्लास टीचर भी है उनकी, तो इशू उनके लिए लेगी है एक प्लांट। बाकी अभी हमने यहाँ पे सात प्लांट्स रखे हैं। तो ये इस तरीके से है और ऊपर से ना इनमें अलग अलग कलर दिया, जैसे स्काई ब्लू कलर है और ये देखो किसी में पर्पल कलर है, किसी में पिंक है, ये येल्लो भी है, व्हाइट भी है। तो बस ही कह रहे थे जो इसमें कलर है उसी कलर के फूल आएंगे, ठीक है। अब पता नहीं कैसे होते हैं क्या होते हैं, ये देखो ऐसी कुछ इसकी जड़ है। तो मैं सोचू इनके लिए दो गमले ले आती हूँ और उसपे हम लोग इसको डालेंगे, बाकी जो बच जाएंगे फिर उनका देखेंगे, मतलब जितने एडजस्ट होते हैं दो गमले में वो हम करेंगे, बाकी फिर देखते हैं बाकी का क्या करेंगे अगर बच गए तो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गमले लाने का फायदा नहीं। ऑलरेडी घर में बहुत ज्यादा गमले हैं और उनको रखने के लिए वैसी जगह नहीं होती, अब पूरे बेड़े में तो गमले गमले नहीं फैला सकते ना तो वो ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि मैं गौशाला के बाहर से पहुंच गई हूँ और ये रहा रोटी और आटा, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है गाड़ियों का क्योंकि ये मेन रोड के बगल में ही है, यहाँ पे जो मेन रोड है उसके बगल में ही है गौशाला। जाते हैं अंदर, तो यहाँ पे जो है गायों का चारा रखा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले आटा मिक्स कर देती हूँ, रोटी को अलग से दे दूंगी। ये है गौशाला, यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। इस साइड को सारी इन्होंने बड़ी गाय रखी है और दूसरी साइड को सारी जो छोटी गायें होती है ना बच्चे वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इनको रोटी खिला रहे थे, वैसे तो बहुत सारी इतनों के लिए तो रोटियाँ नहीं होती, पर स्टार्टिंग में कितना पहुँचता मैं खिला देती हूँ इन्हें रोटी। तो गाय को चारा मैंने रोटी और आटा डाल दिया। अब ना मुझे यहाँ पे से गोबर चाहिए था थोड़ा सा, वही जो पौधे लगाने प्लांट्स उसमें खाद डालने के लिए, तो देखती हूँ अगर यहाँ सूखा सूखा सा चाहिए था। यहाँ पे पूरी खाद पड़ी हुई है गोबर की, तो इसमें से लेती हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे सूखा सा है इससे निकाल दूँ, ठीक है। पुराना पुराना सा चाहिए, मम्मी कहती पुराना पुराना सा लेकर आना, सूखा सूखा सा,
गीला मत लाना। ये है शहद यहाँ पे, नर्सरी के पास पहुंच चुकी हूँ। ये रही नर्सरी यहाँ पे पीछे, और यहाँ पे एक मंदिर है, ये गौशाला के पास ही है। ये सारी चीजें एक के बाद एक, पचास के हैं। इसमें डिजाइन और कुछ नहीं मिलेगा, ये वाला एक। कैसे भी है, 100 के सही सही बता, वीडियो बन रही है कोई बात नहीं, कहीं भी निकालो वीडियो हो गया। सही सही बता, ये 150 के है। 50 के ही होगा, ये 40 का है। इतना छोटा नहीं चाहिए, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। छोटा मास्टरिया लेके आई, दो कर दो फिर, इसमें छेद नहीं है ना, इसीलिए सरिया मंगा रहा। सरिया फिर ऐसे मंगाई है, चाकू नहीं, सरिया दोनों ने तोड़ना नहीं है, आगे से रख दो स्कूटी के। घर आ गई हूँ सारा काम खत्म करके, और ये रहा हमारा आज प्लांट का सामान। ये है गमले भी रखे हैं यहाँ पे दो, और इसमें खाद होगी, और वो रहे प्लांट। तो पहले खाद को जो है मैं बाहर मिट्टी के साथ मिक्स करके अच्छे से फिर गमले में भर के फिर हम लोग प्लांट लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये काम। ऊपर से सूख रखा था, अंदर अंदर से गीला था, धूप करके बाहर से सूखा हुआ था। रख दो इनको, रख मट गई थी अगर अब डूबा आ जाओ, हाल तक बस यहाँ पे तो आई जाएगी मिट्टी, इतनी मिट्टी नहीं, थोड़ी राजने पहले एक गमले में दो ही अटनी। हाँ बस अगर पहले दूसरे में डाल देती हूँ, फिर जो बचेगी फिर डाल दूंगी। इसके साइड कर प्लांट जो थे लगा दिए मैंने बाहर पे, आप ये देखिए ये यहाँ पे रखे हुए हैं सामने वो वाले। अभी ना जितने भी गमले हैं सारे गमले हम लोगों ने बाहर पे ही रखे हैं, ये क्यारी के अंदर घुसा रखे हैं सारे गमले, क्योंकि यहाँ पे पेंट का काम चल रहा था, थोड़ा पुट्टी उट्टी करी थी यहाँ पे भैया लोगों ने, तो इसलिए पूरा खाली करना पड़ा था। यहाँ से खाली करके सारे जो गमले हैं वो बाहर क्यारी में शिफ्ट कर दिए थे। तो ये काम हो गया हमारा, और अभी थोड़ी देर में ईशू को लाने का टाइम हो जाएगा स्कूल से, फिर ईशू को मैं लेने जाऊंगी। बसी की भी कॉल आई थी अभी, पूछ रहे थे कि तुमने हमारे प्लांट्स लगाए या नहीं लगाए। मैं कह रही थी कि कल ना उनकी छुट्टी है, तो मैंने कहा कल आपकी छुट्टी है, आप आराम से नर्सरी जाके प्लांटर लाके लगा देना। तो कहते नहीं नहीं परसों तक खराब हो जाएंगे ये, आप ये कल ही कर देना ये वो करके। तो अभी कॉल आई थी पता करने के लिए कि मैंने करा या नहीं करा, मैं तुम्हें प्लांटर लाई नहीं लाई करके।
तो अपनी तरफ से तो हम लोगों ने लगा दिए प्लांट्स और मेहनत भी कर ली, बाकी देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है। क्योंकि मैं ये जो प्लांट्स है ना फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसा कुछ, और इन्होंने मुझे नेट पे दिखाया था कि वो ना इस टाइप से थे, जैसे कमल का फूल नहीं होता बंद कमल का फूल, उस टाइप का कुछ था ये प्लांट्स, खुलता ओपन नहीं था पूरा, ऐसे बंद था। तो ये कहते ये ऐसे ही होंगे, तो देखते हैं एक दो महीने बाद पता चलेगा या जितना भी इसको टाइम लगेगा। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है किस टाइप का होगा, क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा मुझे ये भी नहीं पता अभी। तो देखते हैं धीरे धीरे किस टाइप का ये निकल के आता है। पिक्चर में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अगर हो जाए ना वैसा तो बहुत अच्छा है, बाकी देखते हैं। सामने जो है गन्ने का जूस वाला खड़ा है और मैं गिलास लेके आ गई हूँ, ये देखो वहां पे ना आंटी है वो ले रही है गन्ने का जूस, हम भी ले लेते हैं एक गिलास कर दो। तो मैं ले आई हूँ जूस, ये देखो ये ना ये वाले जो भैया ये ज्यादा देते हैं जूस, मैं इसलिए इन्हीं से लेती हूँ। मतलब 10 रुपए का भी हम लेते हैं तो ये ज्यादा देते हैं, बाकी जो और आते हैं ना वो कम देते हैं, तो इसलिए हम इनसे लेते हैं। और टेस्टी भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं कि टेस्टी नहीं बनाते, अच्छा बनाते हैं। मेरा ना गन्ने का जूस बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं मतलब और जूस मुझे नहीं पसंद, जैसे मिक्स जूस या अनार का ये वो कोई भी, मतलब मुझे कोई भी पसंद नहीं है, बस अगर गन्ने का मुझे मिल जाए ना मैं यही पीऊंगी और कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है गन्ने का जूस। ईशा स्कूल से आ चुकी है, ईशा हाय कर दो प्लीज, ए बैड मैनर्स, हाय करो पहले अच्छे से, हेलो हेलो हेलो। और आज क्या मिला है ईशु को? मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ईशु के स्कूल से चाबी मिली है, शट अप, ये रहा कार्ड, ईशु को स्कूल से मिला हुआ है कार्ड। और किस चीज का कार्ड है ईशु? ये रहा ईशु का इनविटेशन कार्ड। क्या है ईशु के स्कूल में? कार्ड, एनुअल फंक्शन। क्या है? एनुअल फंक्शन। हाँ, ईशु के स्कूल में है एनुअल फंक्शन 2022, और ये है आपका 27 नवंबर को 4 बजे से शाम को। तो ये पेरेंट्स के लिए इनविटेशन कार्ड आया हुआ है, एक कार्ड के साथ दो जने ही जा सकते हैं, और वो दो जने कौन जाएगा ईशु? मम्मी पापा, तू ही लोग जा सकते हैं। तो पता नहीं, इन्होंने इसमें लिखा है वैलिड फॉर 2 पीपल ओनली। तो ये रहा इनविटेशन कार्ड, और ईशु का डांस भी है उस दिन, है ना? हाँ। तो ईशु के स्कूल से मिली है ड्रेस, ये देखिए रेड कलर का ड्रेस मिला है इसे। क्या कुछ मुझे लग रहा है इसका कुछ स्टार्टिंग में तो नहीं है इशू आपका कुछ भगवान भगवान वाला सॉन्ग तो नहीं है कुछ? नहीं, वेलकम सॉन्ग या कुछ ऐसा। चलो मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये है इशू का ड्रेस, ये चुन्नी है, और ये ऊपर का टॉप जो होता है ना ऊपर का वो है, और ये नीचे की इसकी स्कर्ट है, स्कर्ट काफी घेर वाली बना रखी इन लोगों ने यार। तो ये है, मुझे लग रहा है इसका कुछ मतलब स्वागत वाला टाइप का कुछ सॉन्ग होगा इसका, या कुछ ऐसा मतलब चुन्नी देख के तो ऐसे ही लग रहा है, ऊपर से रेड कलर है तो उसी टाइप का कुछ होगा, स्टार्टिंग में जो करवाते हैं ना डांस वो कुछ होगा इसका। ये अपने स्कूल में पहन के भी देखी थी ये ड्रेस? नहीं, अच्छा इसी के बाहर से ट्राई किया था। अच्छा, हाँ मैं ईशु के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। टूटू मत करो, वो टूट जाएगी, क्या फायदा फिर, तोड़ दी होगी ना। तो ये ईशु का ड्रेस है, ईशु को संडे को अच्छे से रेडी करके हमने भेजना है घर से, है ना? ईशु का मेकअप करेगी मम्मा, है ना ईशु? मेकअप खोलती हूँ। और इस ड्रेस के लिए ये रेंट पे है, ऐसा नहीं कि बच्चों को ही मिल जाएगा, ये वापस स्कूल में करनी पड़ेगी हम लोगों को, और इसके लिए हम लोगों ने 350 रुपीज जो है सबमिट करे हैं। बहुत सारा करना है मेकअप, बहुत सारा करना है मेकअप। आपको अच्छा लगता है मेकअप करना? हाँ।
तो चलिए जी, मैं ये सारा सामान पैक करती हूँ और ऊपर थोड़ा छत में जाते हैं, देखते हैं काम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज तो मैं गई ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कितना काम हुआ है, तो वो देखते हैं। और ये वाला व्लॉग अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ यार, मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।